तो लगेगा, लेकिन आप सुनो मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोल रहा हूँ। अगर इस पर थोड़ा सा भी आपका जहन गया और एक बात भी जहन के अंदर उतरी ना, तो इंशाल्लाह उसका फायदा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो बच्चों, पैसा कमाना बहुत आसान है, वेरी इजी। पैसा कमाने में कोई अड़चन नहीं है, आदमी इजीली पैसा कमा सकते हैं। कैसे? मार्केट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज पर मेहनत करें। जैसे अभी मास्क, कोविड के टाइम पर मास्क, सैनिटाइजर बेचो, लाखों में कमाओगे, लाखों में कमाओगे। लेकिन कब तक कमाओगे? जब तक कोविड है तब तक कमाओगे ना। एक बार कोविड चला गया तो कोई मास्क पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा, क्योंकि मास्क कोई सजावट के लिए पहनता है क्या? मेकअप के लिए पहनता है? अच्छा दिखने के लिए पहनता है? नहीं, मास्क तो मजबूरी है, कौन चाहता है मास्क पहन के रहना? सही बात है। कल मैं जुमा का बयान कर रहा था मस्जिद में, माइक पर खड़ा था और सामने पुलिस वाला आकर खड़ा हो गया मस्जिद के बाहर। अब मैं समझ गया कुछ तो बोलेगा, क्योंकि बम्बई में केसेस बढ़ रहे हैं। दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला बम्बई वालों की हिफाजत फरमाए। तब तक एक लड़के को उसने कुछ बोल के भेजा, वो लड़का मेरे पास आया, कहा हजरत को बोल रहा है कि मास्क तुम भी पहनो और सबको पहनने बोलो। मैंने जल्दी से मास्क निकाल के पहना और सबको मैंने कहा कि मास्क क्या कर लो, पहन लो। आज तक कोई हौलदार आके मुझे ये नहीं बोला जैकेट पहन ले, बोला क्या? नहीं बोला। जुब्बा पहन ले, कोई बोला क्या? नहीं बोला। लेकिन मास्क पहनवा रहा है, क्योंकि मास्क कोई शौक से पहनना नहीं चाहता, कोई शौक से पहनना नहीं चाहता। तो कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है कमाना, पैसा कमाना बहुत आसान है, अगर पैसा ही कमाना है तो बहुत आसान है। लेकिन मसले ये हैं कि एक तो कंटिन्यूस कमाना, दूसरा उसके साथ इज्जत का होना, उसके साथ एक ऑनर हो, एक रिस्पेक्ट हो, है ना। जैसे भी हम हैं, अगर हम अपने स्कूल में चले जाएं तो टीचर बोलते हैं जरा रुकना, थोड़ा कुछ लेक्चर देते हैं बच्चों को, समझा देना तुम लोग कैसे पढ़ाई करते थे, तुम लोग क्या करते थे। तो पूरा तो नहीं समझाएंगे कैसे करते थे, लेकिन थोड़ी तो कुछ बता सकते हैं चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, कमाना कितना आसान है इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी होगी, याद है कि भूल गए पता नहीं। अच्छा, कभी कोई जोक याद करते बैठे हो क्या? एक बार सुनते हो फौरन याद हो जाते हैं, होता है ना। कभी कोई बैठ के जोक याद किया कि मुझे बोलो, बोलो ना, कमा। ऐसा कभी किसी को देखा है बैठ के जोक याद कर रहा है? नहीं। कोई गाना याद करते देखा किसी को? गाना याद कर रहे हैं बैठ के, गाना याद करते हैं पट से, है ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, कभी याद किए? क्या ऐसा बोलने का रहता है शुरू में, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें? अल्लाह बचाए, बताने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीजें जिसको हम याद करते नहीं, लेकिन याद कैसे हो जाती है और फिर भूलते भी नहीं। अगर एग्जाम में कभी आ जाए अंताक्षरी खेलने से पहले क्या बोलते सर लिखो, तो वो क्वेश्चन किससे छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा? क्यों? वो तो प्रिपेयर भी नहीं किया था, सिलेबस में नहीं था। कोई नहीं चिल्लाएगा आउट ऑफ सिलेबस है, कोई चिल्लाने वाले नहीं। याद कैसे हुआ? क्वेश्चन ही होता है, सवाल ही होता है, याद कैसे हुआ? पता चला जिस चीज में हमको मजा आता है, क्या आता है? मजा, जिसको हम इंजॉय करते हैं वो चीज हमको याद रहती, याद हमेशा रहती है। और जिस चीज को हम नर्वस होके पढ़ते हैं, अब्बा बोले तो पढ़ रहा हूं, तो बच्चे को याद नहीं रहता, अब्बा को याद होता है। जैसे टीचर को याद नहीं रहता, बच्चे को याद नहीं रहता, टीचर को याद रहता, क्योंकि हम प्रेशराइज होके पढ़ रहे हैं, डंडा पड़ेगा इसलिए पढ़ रहे हैं, डांट पड़ेगी इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर उस चीज को इंजॉय करके पढ़ोगे तो चीज हमेशा याद रहेगी। जैसे एक जोक बोलने जा रहा हूं, शायद आपको याद होगा। एक ट्रेन थी, क्या थी? ट्रेन थी, एक ही ट्रेन थी। उसमें कुछ लोग सफर कर रहे थे, एक इंडियन बैठा था, उसके सामने एक चाइनीज बैठा था, चाइनीज बैठा था। फिर क्या हुआ जी? मच्छर। ये इब्राहिम बोला, देखो बराबर याद है, घर पे जाके याद किया था शायद, आज ये जो बोले लिख के लिया था, शायद लिया था लिख के, नहीं याद किया था, नहीं फिर भी याद है। क्या था जो बोलो, बोले इब्राहिम? अरे घबराओ मत, बोलो बोलो। गलत होएगा तो क्या, मच्छर ही काटेगा, मैं थोड़ी देर बोलूं। चलो डर रहा है इब्राहिम, डरने का नहीं बेटा कभी भी, हमेशा आगे बढ़ने का। क्या होगा, गिर जाओगे ना, फिर उठोगे तो इंशाल्लाह तो सीख लोगे आगे उसको, जिस तरह से भी डर के आगे जीत है। 2 महीने के बाद ईद है, डरो मत। मैं बोला था ना पहले जोक मैं बोलूंगा, आप मत बोलो आपस में, मैं फिर मेरा सुनाई नहीं देगा, फिर मैं रिपीट भी नहीं करता हूँ। तो मच्छर आ गया, क्या आ गया इब्राहिम? फिर उसने क्या किया चाइनीज ने? खा लिया, डायरेक्ट खा लिया।
मार के खाया ना भाई, मार का मच्छर मारना आसान है क्या? बहुत आसान है मच्छर मारना, वेरी सिंपल। मच्छर ने हमको काटा, ये उसका जुनून था, हमने ये खुजाया, ये हमारा सुकून था। चाटे भी मार ना सके उस मच्छर को हम, क्योंकि उसकी रगों में हमारा ही खून। अच्छा इस पर थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करें, आपने देखा होगा कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं काटते, मतलब उनको भी टेस्ट पता चलता है। अब ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। मैंने बल्कि इसके बारे में पता किया तो पता चला कि जो बी पॉजिटिव वगैरह ग्रुप होते हैं ना, उनको मच्छर कम काटते हैं, और जो ओ पॉजिटिव होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं, कोई भी लेके जाता है, मच्छर भी लेके जाता है। तो उसने क्या किया, मच्छर मारा, और मारने के बाद क्या किया, खा लिया, और खाने के बाद कहाँ गया, टॉयलेट। सिंपल, टॉयलेट गया। टॉयलेट जाके जब वो रिटर्न आने लगा तो इंडियन ने सोचा यार ये मच्छर खाता है यार, क्या बात है यार, अच्छी बात है। अब वो था मारवाड़ी, क्या था मारवाड़ी। उसने क्या किया, जब वो आया तो उसके सामने बैठा, इसने अपना रुमाल हटाया तो देखा तो 10-12 मच्छर मार के इसने रखा। कहा, बोला कितने में लेता, बोल। देखो पैसे कमाना आसान है, आपको पता है इस चीज की डिमांड ये करिए, लेकिन ये कब तक बेचेगा, जब तक चाइनीज है तब तक ना। चाइनीज उठ के चला गया तो बेचेगा क्या, चाइनीज वाला बोलेगा मैं खरीदता नहीं, जा मेरे को भी नहीं खाने का, क्या मच्छर पे जिंदगी गुजारू और कुछ नहीं है क्या। इस तरह से डिमांड बदल सकती है। करियर ऐसा हो जिसमें आपका मुस्तकबिल रोशन हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें ऑनर भी हो, जिसमें रिस्पेक्ट भी हो, ऐसा करियर सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के 40 साल उसमें हमको क्या करने होते हैं, गुजारने होते हैं। और जैसा आपका पेशा होता है वैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, उसी पर आखिरत भी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे अभी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी, महफिल सजी थी, साहबा बैठे थे महफिल में, एक संत अली, एक संत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। खुदा सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब महफिल सजी थी, एक साहबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, हुजूर मैं दर्जी हूँ, टेलर हूँ, मैं टेलर हूँ सरकार, टेलर हूँ। टेलर होना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारे दीन में तो हर प्रोफेशन अच्छा है, हलाल है तो अच्छा है ना। तो हुजूर मैं टेलर हूँ, कौन हूँ मैं हुजूर, मैं कौन हूँ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया दयानतदारी से काम करना। देखो प्रोफेशन, करियर, इंपॉर्टेंस ऑफ करियर, इसको कुरान की रोशनी में समझो, इसको हदीसे पाक की रोशनी में समझो। टेलर हूँ, हुजूर ने फरमाया दयानतदारी से काम करना, चीटिंग नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। अगर दयानतदारी से काम करोगे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाओ। देखो करियर पे बशारत भी, करियर पर दुनिया का इनाम भी है और आखिरत का इनाम भी है। इसलिए करियर सेलेक्ट करने से पहले सोचना जरूरी है कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट समझ में आई करियर की, इट इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए करियर सिलेक्शन करने से पहले सोचना, उसकी तैयारी करना, उसकी तैयारी करना। अरे रिक्शा ड्राइवर हर कोई बन सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, रिक्शा ड्राइवर बनने से मना नहीं कर रहा। हलाल रिस्क का जरिया है, उसका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी इज्जत देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो स्टेशन से यहाँ तक कौन लाएगा। उनकी भी खिदमत अपनी जगह पर है। हमारा दीन इंसान की ताजीम का हुक्म देता है, इंसान की ताजीम, ताजीम से इनकार नहीं है, लेकिन एक मुस्तकबिल जो होता है, टेंशन फ्री लाइफ जो होती है, कि अगर आपका करियर स्टेबल है तो आप दीन पे अमल कर सकते हैं, आप नमाजों की पाबंदी कर सकते हैं, आप खिदमत खल्क कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन आप खुद मजबूर हैं तो आपको हाथ फैलाना पड़ेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ यानी क्या, देने वाला, लेने वाले से बेहतर है। तो वो हुजूर ये चाहते हैं कि हम देने वाले बने, और देने वाले आप कब बनोगे, जब आपका करियर अच्छा हो। इसके लिए अभी से उस पर गौर फिक्र करना, उसको सोचना, उसके लिए कॉम्पिटेंसी अपने अंदर पैदा करना, उतने मार्क्स लाने की कोशिश करना। हमारा हाल क्या है, बेटा क्या बनोगे, सर रिजल्ट तो आने दो फिर देखते ना क्या बनोगे। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो साइंस में जाऊंगा, और रिजल्ट बुरा आया, कम आया, तो फिर अब्बा के हाथों मुर्गा बन जाऊंगा, टीचर के हाथों मुर्गा बन जाऊंगा। रिजल्ट तो आने दो। अरे अल्लाह के बंदो, रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या बनना है, आपको ये डिसाइड करना है कि रिजल्ट कितना आना है।
उस हिसाब से आपको, क्योंकि करियर सेलेक्ट करना ना आपको किसी फील्ड में जाना है। जैसे अभी हमारे सलमान भाई आईआईटी में गए तो ऐसे चले गए उठे सुबह गेट पे चले गए, बोले अरे आईआईटी मेरे को आना था आईआईटी में, अरे आ जा हम तो इंतजार ही कर रहे थे। ऐसा है क्या? नहीं है। उन्होंने इसकी मालूमात हासिल की कि भाई गेट के थ्रू अगर मुझे एमटेक को जाना है तो कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ेगी, इस तैयारी के साथ में वो तैयारी में लगे और फिर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। अल्लाह ने उनकी क्या फरमाई? मदद फरमाई। तो करियर का सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये है कि दर्जी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अगर दयानतदारी से काम करोगे तो किसके साथ जन्नत में जाओगे? जोर से बोलो। अब क्यों इदरीस अलैहि सलाम ही क्यों? तो थोड़ा सा यहां ज़हन हमारा जाना चाहिए, व्हाई ओनली हजरत इदरीस अलैहि सलाम? तो हजरत इदरीस अलैहि सलाम ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने कपड़े को सिला है, कपड़े को बनाया है, कपड़े को सिला है, और आप दर्स दिया करते थे। हजरत इदरीस अलैहि सलाम आप दर्स दिया करते थे, इसलिए उनका नाम इदरीस है। लोगों को लेसन दिया करते थे, सबक दिया करते थे। सबसे पहले जो टूल्स होते हैं ना, टूल्स हथियार जो होते हैं, हथियार मतलब चलाने वाले हथियार नहीं, इस्तेमाल वाले हथियार जो होते हैं, नट बोल्ट टाइट करने वाले, पानी वगैरह सब जो होते हैं, टूल्स जिसको हम कहते हैं, इन टूल्स को बनाने वाले भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो करियर कितना इंपॉर्टेंट है, देखो करियर पर ही आखिरत भी आपकी टिकी हुई है। अब जब हुजूर ने इनाम सुनाया कि ये इनाम है कि अगर तुम दयानतदारी से काम करोगे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाओगे, पता चला अगर आगे बढ़कर आप फैशन डिजाइनर बन गए। हमारी बच्चियों को शौक होता है मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करूंगी, उसमें अगर पर्दे का ख्याल रखोगे, कपड़े तो डिजाइन करो उससे हम मना नहीं कर रहे, लेकिन शरीयत के खिलाफ मत करो, उसमें इस तरह से करोगे तो कमाई की कमाई भी होगी और रोजे महशर अल्लाह की तरफ से इनामात भी होंगे इंशाल्लाह, समझ रहे? अब एक सहाबी और खड़े हुए, अर्ज करते हैं हुजूर मैं मेहमान हूं, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, घर बनाता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दयानतदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, चीटिंग नहीं करना। अगर दयानतदारी से काम करोगे तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ जन्नत में जाओगे। देखो आखिरत भी इसी पर है, इसको समझो, आखिरत भी इसी पर है। फिर एक और साहबी खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर मैं बिजनेस करता हूं, तिजारत करता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दयानतदारी से काम करना, क्योंकि अगर दयानतदारी से काम करोगे तो मेरे साथ जन्नत में जाओ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है करियर का सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको मेरा पर्सनल वाक्य मैं आपको बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई तारीफ के लिए नहीं, कि मेरी वालदा जो बचपन से मैं देखता था, उनको एक तकलीफ थी मेरी वालदा को, जिसमें मेरी वालदा तड़पती थी, दर्द के मारे तड़पती थी। वो थी गॉल ब्लैडर में स्टोन था, गॉल ब्लैडर समझते हैं, गॉल ब्लैडर उसमें स्टोन था। गॉल ब्लैडर में जब किसी को स्टोन होता है, अल्लाह इसे महफूज करे, आपको पता है स्टोन की बीमारी से हम सब बच सकते हैं कैसे? तो रिसर्च करने के बाद आज डॉक्टर हजार साइंटिस्ट हजार ये कहते हैं कि जो शख्स बैठ कर पानी पीता है और बैठ कर फारिग होता है टॉयलेट वगैरह से, ऐसे शख्स को स्टोन की बीमारी नहीं होती। ये कितने बड़े शरफ की बात है, देखो कितने बड़े शरफ की बात है। कितना आदमी फील रिलैक्स होता है, जिसको स्टोन की बीमारी होती है ना उसको पूछो तकलीफ क्या होती है। हमको तो हर तकलीफ बड़ी तकलीफ लगती है, दांत पे दुखता है तो अरे बाप रे ये तकलीफ बहुत ज्यादा है, ये किसी को नहीं हुए, मेरे को भी नहीं हुए, किसी को नहीं हुए। आंख दुखने लगे तो अरे बहुत तकलीफ होती है, हमारे लिए तो हर तकलीफ बड़ी है। तो मेरी वालदा को बहुत तकलीफ होती थी, वालदा मेरी तड़पती थी, इतना हमारे पास उस वक्त था नहीं कि हम जाके बड़ा ऑपरेशन करवा, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था ऑपरेशन के सिवा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, आप कितने भी मेडिसिन खा लो मेडिसिन गॉल ब्लैडर तक जाती नहीं है। बट हम लोग मजबूर थे, कहाँ से इतना पैसा लाते, उस वक्त ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो सपोर्ट करें, और ना ही हमारे अंदर ये था कि हम किसी के आगे जाके हाथ फैलाएं। लेकिन मेरा एक ये था कि मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं कमाऊंगा ना, सबसे पहले अपनी वालदा का ऑपरेशन कराऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा एक विजन अपने पास रखा। हमारे माँ बाप ने बहुत नाज से हमको पाला है, बहुत उम्मीदें उनकी वाबस्ता है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आए तो खुशी के आंसू। क्या आप इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? इसको समझो, आप अपने साथ, आप कैरियर हैं, आप अपने साथ कई लोगों की इज्जत लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर रास्ते से आप गुजरोगे यहाँ से, इब्राहिम जा रहे हैं माशाल्लाह, अभी इब्राहिम किसी से जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई,
अभी प्राइम पे पर लेक्चर देगा, जब बच्चों को देगा ना इब्राहिम चल, देगा कि नहीं देगा, तो उस वक्त दोस्त लोग बोलेंगे आया वाला लेक्चर देने वाला। तो दोस्तों का काम ही ये होता है ऐसा बोलने का, उसको बुरा नहीं मानने का। दोस्त क्या, दोस्त किसको बोलते हैं, जो मन में आप बोल दे वो दोस्त रहता है, बस बोले। तो लेक्चर देने गया, कभी तो याद आएगी कि मूसा सर बोल के आए थे, उन्होंने एक स्टोरी मुझे बताई थी, वो स्टोरी बच्चों को सुनाएगा। और अगर मैं बूढ़ा होकर बैठा हूँ उस लेक्चर में सुन रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी ना ये मुझसे सुना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप यहाँ से बाहर निकले, रास्ते से बाहर निकले, ऐसे स्कूल के बाहर से निकले, रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत है रास्ते में चलते हुए गिर गई, ठीक है। इब्राहिम ने जाके हाथ पकड़ा, अरे अम्मा क्या हुआ, बोल के उठाया, कहाँ जाने का है, ये बाजू के गांव में जाना, ले जाके छोड़ दिया। अब घर वाले देखे खुश हो गए, अरे क्या हुआ, नहीं गिर गई थी, ये बच्चा लेके आया, अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा, इब्राहिम, कहाँ रहते हो, वहां रहता हूँ। तो उस जगह का नाम रोशन हुआ, काम किया इब्राहिम ने, नाम किसका हुआ, जगह का, लोकेशन का, किसके बेटे हो, फला का बेटा हूँ, बाप का नाम रोशन हुआ, कहाँ पढ़ते हो, ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसे स्कूल का नाम रोशन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कितने लोगों की इज्जत लेकर आप चल रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आप इसको जानते नहीं, मेडल दिया अल्लाह ने आपको जिसको आप जानते नहीं है। इसका एहसास उस वक्त होता है जब हम कुछ बन जाते हैं या कुछ गलती हमसे हो जाती है। इसलिए खुदारा अपने करियर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने करियर से मत खेलो, बल्कि ठीक है अपने करियर से मत बल्कि करियर सिलेक्शन पे ध्यान दो। क्या आप इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? तो देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, छोड़ो टेक्निकल तो होता रहेगा जब होगा। आप हमारे ऑडियंस हैं और सलमान पेटी वाला आपके सामने मौजूद है इंशाल्लाह। मैं सलमान भाई से गुजारिश करूंगा कि सलमान भाई तशरीफ लाएं और आपके सामने, सलमान भाई माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, एमटेक भी हैं और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग भी हैं, जरूरत पड़े तो इज्तिमा में बयान भी करते हैं, जरूरत पड़े तो नात भी सुनाते हैं, तिलावत भी करते हैं माशाल्लाह। तो ये पॉसिबल है कि दीनदार होते हुए भी दुनिया में अपना अच्छा करियर बनाया जा सकता है, उसकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने सलमान पेटी वाला मौजूद है। मैं सलमान भाई से गुजारिश करता हूँ कि सलमान भाई तशरीफ लाएं और साइंस की फील्ड में कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्या हैं, किस तरह से उसको अचीव किया जाए, इसके बारे में रोशनी आपके सामने।